हेलो गाइस, सो टुडे वी विल कंटिन्यू सेक्शन टू द लास्ट स्टोन मैसन, मीन्स जो आखिरी स्टोन मैसन है। स्टोन मैसन मीन्स मूर्तिकार, शिल्पकार हिंदी में, या ऐसा आदमी जो स्कल्पचर्स बनाता है, यानी जो मूर्तियां बनाता है। सो ये जो स्टोरी है, ये है एक स्टोन मैसन की, एक ओल्ड स्टोन मैसन की, जो मूर्तियां बनाता है। और ये उसका ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि पीढ़ियों से चला रहा है। उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और वो भी चाहता है कि उसका जो बेटा है वो भी इसी जो आर्ट है इसको कंटिन्यू करे और भगवान की मूर्तियां बनाए। पर उसका जो बेटा है वो एक दिन हथौड़ा और छेनी है जिससे मूर्तियाँ बनाते हैं वो फेंक देता है और कहता है कि इस बिज़नेस में कोई पैसा नहीं है, हमें आगरा चले जाना चाहिए जहाँ पे जो क्रोकरी का सामान बनाते हैं, प्लेट्स और जो एस्ट्रेस वगैरह, उस बिज़नेस में काफ़ी पैसा है। तो उसके जो पिता हैं ओल्ड स्टोन मैसन, वो उसे कहते हैं कि ये हर जो चीज़ है वो सिर्फ पैसा ही नहीं होती, या पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की मूर्तियाँ बनाकर, और हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ये हमारा पीढ़ियों का बिज़नेस है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये अपने पिता से, अपने दादा से सीखा है बिज़नेस, ये आर्ट जो है, वैसे ही तुम इसे कंटिन्यू करो। पर वो अपने पिता को छोड़ के चला जाता है कि इस बिज़नेस में कोई पैसा नहीं है। सो उस ओल्ड स्टोन मैसन का एक नौकर है जिसका नाम सलीम है, अब वो वहाँ पे आता है और लेट्स कंटिन्यू। मास्टर जी कॉल्ड सलीम द सर्वेंट बॉय एंटरिंग द वर्कशॉप बेयरफुट। जो सर्वेंट बॉय है सलीम, उसने शॉप में एंटर किया नंगे पांव और उसने आवाज़ लगाई मास्टर जी। ही हेल्ड आउट ए ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड। मास्टर जी, उसने अपने हाथ में एक गर्म चाय का जो गिलास है वो पकड़ा हुआ है, और उसने कहा कि मास्टर जी, ही आस्क वंस मोर, उसने एक बार फिर से ये बात कही या मास्टर जी को पुकारा उसने। हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न, उसकी जो आवाज़ थी उसमें कंसर्न थी या उसमें चिंता थी। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, हिज फेस वाज एशन। ओल्ड मैन ने ऊपर देखा और उसका जो फेस था वो एशन था, मीन्स ही लुक्ड पेल, वो पीला दिखाई दे रहा था, मतलब बीमार या थका हुआ दिखाई दे रहा था वो। ही बेकन्ड द बॉय टू कम क्लोजर एंड मोशन हिम टू सिट डाउन। उसने लड़के को इशारा किया, बेकन मीन्स होता किसी को इशारा करना हाथ से या किसी भी तरीके से अपने पास बुलाना। सो ही बेकन्ड द बॉय टू कम क्लोजर, उन्होंने इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया, एंड मोशन हिम टू सिट डाउन, और उसे इशारे से अपने पास बैठने के लिए कहा। सलीम ही सैड जेंटली, उन्होंने प्यार से कहा कि सलीम, सून आई विल बी द लास्ट स्टोन मैसन हेयर, कि जल्दी ही मैं यहाँ पे आखिरी स्टोन मैसन होऊंगा। ऑल द अदर्स वुड हैव गॉन टू आगरा, जो बाकी सब हैं वो आगरा जा चुके हैं। देयर दे आर ट्रेंडिंग आउट चीप कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स एंड एस्ट्रेस बाय द डजन। सो ऑल द अदर्स वुड हैव गॉन टू आगरा, कि जो सब ही हैं वो आगरा जा चुके हैं या आगरा जा चुके होंगे। देयर स्टोन मैसन ने उससे कहा कि जल्दी ही मैं यहाँ पे आखिरी स्टोन मैसन या आखिरी मूर्तिकार होंगा, और जो बाकी सब मूर्तिकार होंगे वो सभी जल्दी ही आगरा जा चुके होंगे। देयर दे आर टर्निंग आउट चीप कैंडल स्टैंड्स, और वहाँ वो कन्वर्ट कर रहे होंगे या वहाँ वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वहाँ वो इनका चीज़ों का उत्पादन कर रहे होंगे, जिसे मास प्रोडक्शन कहते हैं, मतलब बड़े लेवल पर कोई चीज़ क्रिएट करना या बनाना। सो देयर दे आर टर्निंग आउट चीप कैंडल स्टैंड, तो वहाँ वो बना रहे होंगे चीप कैंडल स्टैंड्स, जो मोमबत्तियाँ रखने का जो स्टैंड होता है, पेपर वेट्स, जो पेपर के ऊपर कोई वजन रखने के लिए, कोई वेट रखने के लिए पेपर वेट्स, एंड एस्ट्रेस बाय द डजन, वो दर्जनों में बना रहे होंगे ये पेपर वेट, कैंडल स्टैंड्स और एस्ट्रेस। दे आर मेकिंग मनी बट दे बिट्रे अवर स्किल, वो पैसे बना रहे हैं पर वो हमारे स्किल को धोखा दे रहे हैं। बिट्रे मीन्स होता है किसी को धोखा देना या डिसीव करना। तो वो पैसा तो कमा रहे हैं पर वो हमारे स्किल को डिसीव कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, मतलब हमारे स्किल के साथ, हमारे हुनर के साथ। स्किल मीन्स होता है हुनर, जो एक किसी के अंदर टैलेंट, एक स्किल होता है, कला होती है जिसके अंदर, तो वो उसे बिट्रे कर रहे हैं। बिट्रे मीन्स होता है डिसीव करना, धोखा देना, तो वो हमारी कला को धोखा दे रहे हैं। आवर एज ओल्ड ट्रेडिशन, हमारा जो काफ़ी पुराना, सदियों पुराना ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है हमारी, उसको वो धोखा दे रहे हैं। नाउ गोपाल हैज ऑल्सो गॉन,
अब गोपाल भी जा चुका है, गोपाल जो स्टोन मैसन का लड़का है वो जा चुका है। आई विल हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर अलोन, मुझे ये जो स्कल्पचर है इसको अकेला ही पूरा करना है, मुझे इसे अकेला ही पूरा करना होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई विल डू इट सलीम, और भगवान की मदद से मैं इसे पूरा करूँगा सलीम, मैं इसे कर पाऊँगा। आई नो यू विल मास्टर जी बाय द बॉय आंसर, अब जो लड़का है सलीम उसने आंसर किया कि आई नो यू विल मास्टर जी, मैं जानता हूँ कि आप कर लेंगे मास्टर जी। यू विल मेक मैनी मोर, और आप कई और बनाएंगे, यानी कि आप कई और मूर्तियाँ बनाएंगे। लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर्स, काफ़ी बड़ी, लार्जर इससे भी बड़ी, और मोर ब्यूटीफुल इससे भी ज़्यादा सुंदर टेम्पल स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स होते हैं जो मूर्तियाँ होती हैं। तो ये स्टोन मैसन जो मूर्तियाँ बनाते हैं उन्हें स्टोन मैसन कहते हैं, मूर्तिकार शिल्पकार। तो जो सलीम है उसने कहा कि लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल, मतलब बड़ी और इससे भी ज़्यादा सुंदर, इससे भी बड़ी और इससे भी सुंदर मंदिरों के लिए मूर्तियाँ, टेम्पल स्कल्पचर्स, जो मंदिरों की मूर्तियाँ होती हैं टेम्पल स्कल्पचर्स। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑर्फन बॉय हु हैड कम टू वर्क फॉर हिम 5 ईयर्स अगो, अब जो बूढ़ा आदमी है जो स्टोन मैसन है उसने इस अनाथ लड़के की ओर देखा, वो हैड कम टू वर्क फॉर मी, जो उसके लिए काम करने आया था 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो। ड्रेंच्ड टू द स्किन, वो पूरा सर से लेकर पांव तक भीगा हुआ था, ड्रेंच मीन्स होता है भीगा जाना पानी में। ड्रेस्ड इन टैटर्स, टैटर्स होता है जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, चिथड़े। सो ड्रेस्ड इन टैटर्स, और ये चिथड़ों में था उस वक्त जब वो ये 5 साल पहले आया था। ही हैड बेग्ड फॉर शेल्टर ड्यूरिंग ए फ्यूरियस मानसून स्ट्रॉम, और इसने एक फ्यूरियस मानसून स्ट्रॉम, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक जो मानसून की का तूफान होता है उसके अंदर मुझसे शेल्टर के लिए भीख मांगी थी, यानी ही हैड बैग्ड, मतलब उन्हें शेल्टर के लिए कि मुझे शरण दे दो इसके अंदर, बारिश के अंदर, इसके लिए इसके पास कोई आसरा नहीं था। शेल्टर ड्यूरिंग ए फ्यूरियस मानसून स्ट्रॉम ही हैड बैग्ड, तो इसने मुझसे बारिश में जो मानसून था उसमें भीगा हुआ आया था ये मेरे पास, इसके कपड़े चीसरे से फटे हुए थे और इसने मुझसे शरण मांगी थी, शेल्टर मांगा था। एंड हैज स्टेड ऑन द वर्क फॉर द ओल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन, और ये यहीं पे रुक गया था, ऑन द वर्क फॉर एंड हैज स्टेड ऑन द वर्क ऑन टू वर्क फॉर द ओल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन, जो ओल्ड मास्टर क्राफ्ट्समैन है उसके साथ ही वो रुक गया था ये काम, इस काम के लिए जो शिल्प मूर्तियाँ तराशने का काम है। ही हैड ग्रोन टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, अब ये बड़ा बड़ा हो गया और स्ट्रांग हो गया, काफ़ी लंबा हो गया और स्ट्रांग हो गया 5 सालों में। द ओल्ड मैन न्यू दैट स्लिम टू वुड लीव हिम वन डे, जो ओल्ड मैन है जो स्टोन मैसन है, बूढ़े स्टोन मैसन न्यू, वो जानते हैं दैट स्लिम टू वुड लीव हिम वन डे, कि स्लिम भी उन्हें एक दिन छोड़ के चला जाएगा। ही साइड एंड लुकड इन टू द सीरियस आई ऑफ द बॉयज़, उन्होंने एक आह भरी या एक गहरी सांस ली, और जो सीरियस आइज ऑफ बॉय यानी कि जो काफ़ी गंभीर आंखें हैं लड़के की, उन आंखों में देखा, क्लाउडेड विद सैडनेस, जिन आंखों में दुख भरा हुआ था, सैडनेस भरी हुई थी या दुख के बादल छाए हुए थे आंखों में। ए सैडनेस द ओल्ड मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड, एक ऐसा दुख जिसे ये ओल्ड मैन या स्टोन मैसन है वो नहीं समझ सकते। ही शुक हिज हेड, उन्होंने अपना सर हिलाया, माई स्ट्रेंथ इज वैनिंग, तो ओल्ड मैसन है जो, उन्होंने अपना सर हिलाया और उन्होंने कहा कि माई स्ट्रेंथ इज वैनिंग, इसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है, माई स्ट्रेंथ इज वैनिंग आई एम बिकमिंग वीकर, कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। तो ओल्ड मैन ने अपना सर हिलाया और कहा कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, आई एम बिकमिंग वीकर, माई स्ट्रेंथ इज वैनिंग, आई कांट वर्क विद द चिसल लाइक आई यूज टू, लाइक आई यूज टू, मैं अब चिसल के साथ या मैं अब छेनी के साथ जिससे वो पत्थर को तराशते हैं, आई कांट वर्क विद द चिसल, मैं अब छेनी के साथ काम नहीं कर सकता हो ज़्यादा, लाइक आई यूज टू, जैसा कि मैं पहले करता था या अक्सर कर लिया करता था। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग, मच टू लॉन्ग, जो कार्विंग्स है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, कार्विंग होता है कटिंग एंड शेपिंग स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ बनाने के लिए पत्थर को तोड़ना पड़ता है, उसका जो बाकी का फालतू का हिस्सा है उसे छेनी से स्ट्राइक करके या मारते मारते उसको निकालना पड़ता है, उसे कार्विंग कहते हैं, उसको कट करना स्टोन को और उसको शेप देना एक, उसे कार्विंग कहते हैं। तो कार्विंग टेक टू लॉन्ग, तो ये शेप देने का काम है, ये काफ़ी समय लेता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मच टू लॉन्ग, काफ़ी टाइम, क्योंकि अब जो हाथ हैं वो ओल्ड स्टोन मैसन के उतना तेज़ काम नहीं करते, तो उसे काफ़ी वो थक जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है उन्हें इस काम में। देन ही स्ट्रेटन्ड अप एंड सेड विद फ्रेश डिटर्मिनेशन, फिर वो सीधे हुए और उन्होंने एक फ्रेश डिटर्मिनेशन यानी कि एक ताज़ा
एक दृढ़ संकल्प या निश्चितता के साथ कहा कि आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क एंड श्योरली आई विल। उन्होंने कहा कि मुझे ये काम तो खत्म करना ही होगा और मैं करूँगा, मैं पक्का इसे खत्म करूँगा। कि उन्होंने उनमें एक जोश आया, एक फ्रेश डिटर्मिनेशन। यस यू विल, द बॉय रिपीटेड ऑफरिंग। अब जो सलीम है उसने कहा कि यस यू विल, हाँ आप करेंगे। द बॉय रिपीटेड ऑफरिंग इज मास्टर द ग्लास ऑफ टी। और ब्रो जो लड़का है सलीम उसने दोबारा से अपने मास्टर को ग्लास ऑफ टी ऑफर किया, यानी चाय का जो ग्लास है वो ऑफर किया है। ड्रिंक प्लीज़, इसे पी लीजिए प्लीज़। इट विल डू यू गुड, ये आपके लिए अच्छा रहेगा या ये आपकी मदद करेगा इसमें, ये आपको अच्छा करेगा। देन ही एडेड, फिर उसने उसमें ऐड किया कि आई हैव टू गो टू द मार्केट फॉर एन आवर और टू, कि मुझे एक दो घंटे के लिए मार्केट जाना होगा। बट आई विल बी बैक इन टाइम फॉर टू प्रिपेयर डिनर, पर मैं टाइम से आ जाऊँगा डिनर प्रिपेयर करने के लिए। द ओल्ड मैन नॉडेड एंड थॉट, ओल्ड मैन ने अपना सर हिलाया या एक हामी भरी और उन्होंने सोचा कि ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट टू ऑफन लेटली, कि ये इन दिनों या ये हाल ही में काफ़ी बार बाजार जाने लग गया है। ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट टू ऑफन, कि ये इन दिनों या हाल ही में, लेटली मीन्स हाल ही में, काफ़ी बार बाजार जाने लग गया है। आई होप ही हैज़ नॉट फॉलन इन टू बैड कंपनी, मैं आशा करता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुरी कंपनी में ना पड़ गया हो, यानी किसी बुरी संगति में ना पड़ गया हो, यानी जो बैड ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं उनके साथ में ना रहने लग गया हो ये। ही शॉट ए क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट द बॉय, उन्होंने एक क्वेश्चनिंग ग्लैंस मतलब एक प्रश्नों भरी निगाह या प्रश्नों से भरी हुई एक दृष्टि उन्होंने उस बच्चे पर डाली, उस लड़के पर। ही शॉट ए क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट द बॉय, उन्होंने लड़के पर एक क्वेश्चन प्रश्नों से भरी हुई दृष्टि डाली। हु टर्न एंड लेफ्ट द रूम, जो मुड़ा था वो मुड़ा और कमरा छोड़ गया, यानी कमरे से बाहर निकल गया। द ओल्ड मैन साइड एंड पिक द चिसल एंड हैमर, ओल्ड मैन ने गहरी सांस ली या एक आह भरी और दोबारा से अपना जो छैनी और हथौड़ा था उसे उठा लिया। द कूल मेटल ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विद हैप्पीनेस, जो ठंडा लोहा था या जो टूल्स उन टूल्स का उसने उन्हें खुशी से भर दिया। द कूल मेटल ऑफ द टूल्स, तो जो टूल्स हैं यानी कि जो छेनी और हथौड़ा है वो लोहे के हैं, तो ये जो सर्दियों के दिन हैं उनमें वो ठंडे हो जाते हैं। द कूल मेटल ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विद हैप्पीनेस, तो जो ठंडा लोहा था उसने उन्हें खुशी से भर दिया। एंड कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से भर दिया, मतलब एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। ही लव्ड हिज वर्क, वो अपने काम को प्यार करते थे एंड डिड नॉट वॉन्ट टू चेंज इट फॉर एनी अदर इन द वर्ल्ड, और किसी भी दूसरे के लिए इसको चेंज नहीं करना चाहते थे। डेज एंड वीक वेंट बाय, दिन और हफ्तों बीत गए इसी तरीके से। इट वॉज ए मंथ सिंस गोपाल हैड लेफ्ट, एक महीना हो गया था जब से गोपाल छोड़कर गया था, जो ओल्ड मैन स्टोन मैसन का लड़का है। द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली, जो ओल्ड मैन है उन्होंने वो टायरलेसली काम कर रहे थे यानी बिना थके। द ओल्ड मैन वर्क टायरलेसली, बूढ़े स्टोन मैसन ने या ओल्ड मैन ने टायरलेसली काम किया यानी बिना थके काम किया था। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, जो सुबह से लेकर लेट रात तक। ही वर्कड ऑन द स्कल्पचर, वो मूर्ति पर काम करते रहते थे। इट वॉज ऑल देयर, ये सारा सब कुछ वहीं पे था, इन द स्टोन, और जो वो काम कर रहे थे वो दिखता था उस स्टोन पे, इन द स्टोन। द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा, जो कृष्ण भगवान की उन्होंने मूर्ति बनाई थी वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट, उनके जो कंधे थे वो काफ़ी सुंदर थे, स्ट्रॉन्ग थे और सीधे थे। हिज सॉफ्ट कर्वडली हिप्स, और उनके जो हिप्स थे वो भी सॉफ्ट थे, कर्व्ड थे। ही कुड सी द पॉइंटेड फिंगर्स होल्डिंग द फ्लूट डेलिकेटली इन हिज लिप्स, और उनके जो होठों से लगी हुई जो फ्लूट थी यानी जो मुरली थी, जो बांसुरी थी, वो देखी जा सकती थी। ही कुड सी, वो देख सकते थे उसे, पॉइंटेड फिंगर्स यानी कि जो उनकी जो पॉइंटेड उंगलियाँ थी वो उन्होंने होल्ड कर रखा था उस फ्लूट को प्यार से, और अपने होठों से लगा रखा था। ही कुड सी द पॉइंटेड फिंगर्स होल्डिंग द फ्लूट डेलिकेटली टू हिज लिप्स, वो देख सकते थे कि जो पॉइंटेड फिंगर्स हैं उन्होंने होल्ड कर रखा है फ्लूट को, और अपने होठों से प्यार से लगा सकता है। डेलिकेटली मीन्स होता है आराम से।